आगे बढ़े और आपको बताएं कि आमदन से जायद असासा जात का केस है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार आज भी नैब में तलब हैं। नैब ने उस्मान बुजदार को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर रखी है। गुज़िश्ता तलबी पर उस्मान बुजदार ने नुमाइंदे के जरिए जवाब जमा करवाया था। साबिक वजीर आला 14 बार तलबी के बावजूद सिर्फ 2 बार नैब में पेश हुए। राहिल अली से मजीद अहवाल जानेंगे। राहिल बताइएगा। जायद असासा जात का ये केस है जिसमें नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार को आज दोबारा तलब किया। मजमूनी तौर पर 14 दफा जो है उन्हें तलब किया गया। इससे पहले भी जो है वो उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सिर्फ 2 दफा जो है वो नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और ज्यादातर उन्होंने अपने नुमाइंदे के जरिए जवाब जमा करवाए हैं या आने से जो है माजत जाहिर की है। इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि अरबों रुपए की ये मांगी का केस है जिसमें नैब ने उनसे उनके असासा जात की तफसीलात मांगी थी। इसके अलावा उनके बैरून मुल्क के दौरे और उनके बैंक स्टेटमेंट्स मांगी थी। जाय का कहना यह कि उनके जाने से मालूम तो जमा करवा दी गई है, लेकिन नैब की तहकीकती टीम उनकी फराम करदा मालूम से ज्यादा जो है वो मुतमिन नजर नहीं आ रही। ये वजह है कि उन्हें आज तक बुलाया गया था ताकि वो जाती हैसियत में पेश होकर नैब की तहकीकती टीम के सवालों का जवाब दें। अब देखना यह कि आगे वो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होते हैं या उनका नुमाइंदा ही नैब की तहकीकती टीम के सामने आता है। ताहम 4 बजे तक जो है वो नैब का ऑफिस खुला है, तो जाय का कहना यह है कि उस्मान बुजदार का इंतजार किया जाएगा कि वो आज अभी पेश होते हैं या नहीं। ठीक है राहिल, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया राहिल।